हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर टॉपिक है आपका आज प्रपोसनेट कैपिटल और चैप्टर चल रहा है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप में एंट्री करता है तो क्या ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है प्रपोसनेट कैपिटल क्या होता है प्रपोसनेट कैपिटल प्रपोशनेट कैपिटल उसे कहते हैं जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी होती है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी तो उसे कैलकुलेट करने का जो यहां तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया कि ए की कैपिटल ट्वेंटी फोर थाउजेंड है मान लेते हैं बी की कैपिटल सोलह हजार है और सी को पार्टनर बनाया गया वन अपॉन फिफ्थ पार्ट के लिए यह भी एज्यूम किया है कि भाई वन फिफ्थ के लिए उसे पार्टनर बना लिया अब यहां पर आपको करना है कि लेट टोटल शेयर वन C का पार्ट है वन अपॉइंट फाइव रिमेनिंग शेयर होगा वन माइनस वन अपॉइंट फाइव फोर अपॉइंट फाइव ये जो फोर अपॉइंट फाइव है ये A और B का पार्ट है A एंड B का पार्ट है A और B का पार्ट है तो फोर अपॉइंट फाइव के लिए इसकी कैपिटल कितनी है और B की फोर्टी थाउजेंड तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फाइव इधर आ जाएगा फोर अपॉन में आ जाएगा यानी फिफ्टी थाउजेंड 50,000 फिफ्टी थाउजेंड 50, ए बी सी तीनों की कंबाइंड कैपिटल है अब सी की कैपिटल कितनी होगी जो न्यू पार्टनर है फिफ्टी थाउजेंड काउजेंड दूसरा तरीका क्या है एक तो यह तरीका है कि वे कैपिटल इस तरीके से आ गई सी की और दूसरा तरीका है जो टोटल कैपिटल थी उसमें से ए और बी की कैपिटल फोर्टी थाउजेंड माइनस कर ली टेन थाउजेंड आ गया <coughs> स्टूडेंट क्वेश्चन कराने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस, क्वेश्चंस वगैरह जो आपके बोर्ड के बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा सकूँ तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सब और क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशो टू टू वन लाइबिलिटीज़ में है बैंक ओवर ड्राफ्ट रिजर्व फंड क्रेडिटर्स कैपिटल ए एंड बी debtors, less provision, stock building, patent machinery. they admit c into partnership on 1st april 18. new profit sharing ratio is agreed 3 upon 6, 2 upon 6 and 1 upon 6. c bring proportionate capital after the following adjustment. first point, c bring in 10,000 in cash as his share of goodwill. next point, provision for doubtful debts is to be reduced by 2,000. देयर इज एन ओल्ड टाइप राइटर वैल्यू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इट डज नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ द फर्म इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड पेटेंट्स आर वैल्यूलेस टू परसेंट डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर आपको यहाँ पे बनाना है रिवेल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में तो स्टार्ट करते हैं यहां पर रिवेल्यूशन अकाउंट सबसे पहले अकाउंट कैसे बनेगा रिवेल्यूशन का फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट आप सब जानते हैं इसका फॉर्मेट है अब इसमें सबसे पहले करते हैं सेकंड पॉइंट कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स इज टू बी रिड्यूस बाय 2000 जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स है वो दो हजार से कम हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्या होता है आपका लाइबिलिटी है और वो कम हो गया तो उसे क्या करेंगे डेबिट तो एंट्री क्या बनती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स डेबिट टू रिवेल्यूशन अब रिवेल्यूशन क्या है यहां पे क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स टू थाउजेंड रुपीज ये आपकी सेकंड एंट्री हुई इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज एन ओल्ड टाइप राइटर वैल्यू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इट डर इन द बुक्स ऑफ फर्म ये पहले नहीं था अनरिकॉर्डेड है और है क्या आपका ये टाइप राइटर है टाइप राइटर क्या होता है एसेट्स होता है अब जब अनरिकॉर्डेड था तो एंट्री क्या बनती है अब यहां पे यानी कि टाइप राइटर डेबिट टू रिवेल्यूशन तो रिवेल्यूशन क्या है क्रेडिट है क्रेडिट साइड में जाएंगे लिखेंगे बाय टाइप राइटर यह आपका हुआ थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस जो आपके पेटेंट्स थे वो वैल्यूलेस हो गए वैल्यूलेस मीन जीरो हो गए पहले कितने थे आपके पेटेंट्स पहले थे आपके ये टू थाउजेंड थे अब ये वैल्यूलेस हो गए जीरो हो गए तो एंट्री क्या बनती है रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अब रीवैल्यूशन क्या है यहां पर डेबिट है तो डेबिट साइड में जाएंगे मीन्स लेफ्ट साइड और लिखेंगे टू पेटेंट दो हजार रुपए तो ये आपके पॉइंट हुए यहां पर थ्री फोर पॉइंट हो गया फोर्थ नंबर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है टू परसेंट डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर अब डिस्काउंट है क्रेडिटर पर क्रेडिटर क्या होता है लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट और वो आपका कम हो गया कम हो गया तो क्या करेंगे क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवेल्यूशन यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर डेबिट टू रिवेल्यूशन रिवेल्यूशन क्या है क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर फोर हंड्रेड रुपीज चार सौ रुपए क्योंकि क्रेडिटर थे आपके यहां पर ट्वेंटी थाउजेंड के और ट्वेंटी थाउजेंड का टू परसेंट करना है तो ट्वेंटी थाउजेंड का टू परसेंट होता है फोर हंड्रेड रुपीज बाद इसका टोटलिंग करेंगे इसका टोटल आता है फाइव थाउजेंड और फाइव थाउजेंड में से ये टू थाउजेंड माइनस करेंगे तो बसता है थ्री थाउजेंड जिसको बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में और उसके लिए हम क्या करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल और ये किस रेशो में बांटा जाएगा ये बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में मीन्स टू इस टू वन में तो दो एक में इसे बांट देंगे जो आएगा दो हजार एक हजार और यह आपने कर दिया तो यह आपका रिवेलशन अकाउंट यहां पर कंप्लीट हुआ इसके बाद बनाते हैं बच्चों यहां पर कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर ए बी सी पर्टिकुलर्स ए बी सी ये फॉर्मेट है सबसे पहले यहां पर आता है बाय बैलेंस बी डी जो हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में कैपिटल लिखी हुई है ए और बी की वो फोर्टी थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड है तो सबसे पहले ये लिखेंगे इसके बाद आप देख रहे हैं बैलेंस शीट बैलेंसिटी में आपको दिया है रिजर्व फंड जो बारह हजार है रिजर्व फंड आपके लाइबिलिटी में लिखा है मीन क्रेडिट है अब जब उसे बांटेंगे तो क्या करेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ए क्या है और बी क्या है क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएंगे लिखेंगे बाय रिजर्व फंड और इस बारह हजार को बांट दिया जाएगा ओल्ड रेसो में जो दिया है यहां पर टूज टू वन इसके बाद आता है अब रिवेलेशन अकाउंट पर हमें यहां प्रॉफिट हुआ था तो इसके दो तरीके हैं करने के एक तरीका तो यह कि यहां से रिवेल्यूशन यहां से हम यहां लिख देंगे यानी कि बाय रिवेल्यूशन टू और वन ए में लिखा है टू और बी में लिखा है वन और दूसरा तरीका एंट्री से कर सकते हैं एंट्री क्या है जब रिवेल्यूशन पे प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या होती है रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल यानी पार्टनर क्या है क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय रिवेल्यूशन ए के कॉलम में 2000 आएगा बी के कॉलम में 1000 आएगा ये आपका यहां तक हो गया इसके बाद इसमें एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सी ब्रिंग टेन था दस हजार रुपए गुडविल के कैश में लेकर आया और जब गुडविल कैश में लाई जाती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो एंट्री यहां पर देख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये एंट्री आ गई दूसरे नंबर पर जो गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लाता है उसको ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइजिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग का तो यहां देखेंगे सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ए का ओल्ड रेशो क्या था टू अपॉइंट थ्री था न्यू रेशो क्या है थ्री अपॉइंट सिक्स माइनस करेंगे वन अपॉइंट सिक्स ये सेक्रीफाइजिंग में आ गया बी के लिए करेंगे वन अपॉइंट थ्री ओल्ड है न्यू है टू अपॉइंट सिक्स आया जीरो यानी ना ये सेक्रीफाइजर है ना ही ये गेनर है तो सारा जो गुडविल थी जो कंप्लीट गुडविल थी वो किसके पास आ गई ए के पास आ गई यानी आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट ए कौन है ओल्ड पार्टनर है और ये सेक्रीफाइजर है तो सभी गुडविल इसके पास आ गई यानी सारी गुडविल ए को मिल गई तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अब ए क्या है यहां पर क्रेडिट है क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए के कॉलम में ए के कॉलम में दस हजार आएगा उसके बाद क्या करना है आपको टोटलिंग करना है सिक्सटी थाउजेंड आया इसका टोटल करेंगे थर्टी फाइव थाउजेंड आया यही यहां पर रख लिए और यही आपका बैलेंस बच गया यानी कि टू बैलेंस कैरीडाउन सिक्सटी थाउजेंड एंड थर्टी फाइव थाउजेंड इसी को नोट कर यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ए के लिए साठ है बी के लिए पैंतीस है ये इनकी कैपिटल है और ये किसकी कैपिटल है ए और बी की यानी अगर हम बात करते हैं कि ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी है तो ये नाइनटी फाइव थाउजेंड है अब यहां पर सी कैपिटल लेकर नहीं आया तो उसकी कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि प्रपोशनेड कैपिटल है और प्रपोशनेड कैपिटल का मेथड क्या कहता है जब न्यू पार्टनर कैपिटल की अमाउंट को नहीं लेकर आता तो उसे कैलकुलेट करते हैं जैसे सबसे पहले आप करेंगे लेट टोटल शेयर वन सी का शेयर क्या है वन अपॉइंट सिक्स रिमेनिंग क्या हो गया वन माइनस वन अपॉइंट सिक्स कि वन में से वन अपॉइंट सिक्स माइनस करेंगे फाइव अपॉइंट सिक्स आ गया ये जो फाइव अपॉइंट सिक्स है ये ए और बी की कैपिटल है ए और बी की कैपिटल ए और बी कौन है ओल्ड पार्टनर है तो ये फाइव अपॉइंट सिक्स ए और बी का हिस्सा है यानी फाइव अपॉइंट सिक्स के लिए नाइनटी फाइव थाउजेंड कैपिटल है ए और बी की जो देख रहे हो आप यहाँ साठ हजार और पैंतीस हजार दोनों का टोटल होता है नाइनटी फाइव थाउजेंड फाइव अपॉन सिक्स के लिए नाइन्टी फाइव थाउजेंड और कंप्लीट कैपिटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिक्स यहां पे आ जाएगा फाइव अपॉन में एक लाख चौदह हजार एक हजार टोटल कैपिटल है यानी ये टोटल कैपिटल ऑफ ए बी सी तीनों की कैपिटल एक लाख चौदह हजार है अब सी की कैपिटल कितनी होगी इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं पहला तरीका वन लाख फोर्टीन थाउजेंड का वन अपॉइंट सिक्स नाइनटीन थाउजेंड या वन लाख फोर्टीन थाउजेंड जो टोटल कैपिटल आई थी उसमें से ए और बी की कैपिटल नाइन्टी फाइव थाउजेंड माइनस कर देंगे तो यह आता है उन्नीस हजार रुपए यानी किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं अब इसके लिए क्या एंट्री बनती है इसके लिए एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल यानी सी कैपिटल क्या है क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में गए और लिख दिया बाय बैंक अकाउंट उन्नीस हजार रुपए अब इसका टोटल करेंगे तो ये यहां पे आ गया और ये बच गया आपका टू बैलेंस सी डी यानी सिक्सटी थाउजेंडीड एंड उन्नीस हजार रुपए तो ये आपका यहां पर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सब बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट और ये है आपकी बैलेंस शीट सबसे पहले लाइविटी साइड देखते हैं लाइविटी साइड में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सबसे पहले लिखा है कि बैंक ओवर ड्राफ्ट तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा उसके बाद है रिजर्व फंड रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो है नहीं हमारे पास फिलहाल क्रेडिटर है ट्वेंटी थाउजेंड का और क्रेडिटर में से फोर हंड्रेड कम हो गए थे यानी फोर हंड्रेड कम होने के बाद ये बचता है नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और उसके बाद लिखा है कैपिटल और कैपिटल लेंगे आप कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट ये जो अभी बनाया यहां पर यानी ए की कैपिटल सिक्सटी थाउजेंड है बी की थर्टी फाइव थाउजेंड है और सी की नाइनटीन थाउजेंड तो कैपिटल यहां लिख देंगे तीनों की और टोटल हो जाता है एक लाख चौदह हजार वन लैख फोर्टीन थाउजेंड तो ये आपका यहां पर लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ उसके बाद आते हैं एसेट साइड में एसेट साइड में सबसे पहले देख रहे हैं आप बैंक कैसे आया तो बैंक का डिस्कशन अभी करेंगे अभी बताऊंगा बैंक के बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट है डेप्टर्स डेप्टर्स पहले था फोर्टी थाउजेंड का लेकिन इसमें कुछ कमी हो गई थी रहेगा सिक्सटी हंड्रेड क्योंकि दो हजार रुपए कहां चले गए थे आपके रिवेल्यूशन में चले गए थे जो कम हो गए थे तो ये सिक्सटीन हंड्रेड रह गए माइनस करने के बाद आता है 38, उसके बाद next point है सेम रहेगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसके बाद मशीनरी है मशीनरी दी है यहां पर जो क्वेश्चन में थी थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड है और वो सेम रहेगी उसके बाद टाइप राइटर अनरिकॉर्डेड था जो पहले नहीं था लेकिन अब है तो आ जाएगा यहां पर ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड और एक था आपका क्वेश्चन में पेटेंट तो पेटेंट्स क्या हो गए थे वैल्यूलेस हो गए थे यानी खत्म हो गए थे तो पेटेंट यहां पर नहीं आएगा अब बात रह जाती है कि बैंक अकाउंट कहां से आया और दूसरा था बैंक ओवर ड्राफ्ट तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे बाय बाय बैलेंस बैलेंस डाउन हजार रुपए उसके बाद ये देख रहे हैं आप यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल है दस हजार तो गुडविल की अमाउंट को न्यू पार्टनर कैश में लाया था तो उसके लिए एंट्री क्या होती है पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो आप देख रहे हैं यहां पर यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो बैंक क्या यहां पे डेबिट है डेबिट साइड में जाएंगे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल दस हजार रुपए उसके बाद ये उन्नीस हजार रुपए कहां से आए ये उन्नीस हजार की कैपिटल कैलकुलेट की गई थी अभी और ये कैपिटल कैलकुलेट की थी कितने रुपए आए थे उन्नीस हजार आए थे तो उसके लिए एंट्री क्या बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल जो आप देख रहे हैं यहां पर उन्नीस हजार रुपए तो बैंक अकाउंट डेबिट में गए और टू सीज कैपिटल उन्नीस हजार रुपए आ गए अब दोनों का टोटल होता है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड इसमें से ये पंद्रह हजार माइनस हो जाएगा और इसे माइनस करने के बाद बचते हैं फोर्टीन थाउजेंड और ये फोर्टीन थाउजेंड यहां पर आ जाएगा तो इस तरीके से फोर्टीन थाउजेंड यहां पर आया और ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ